अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। आज हम MGT503 के हैंड आउट्स कर रहे हैं और हमारा सिलेबस फाइनल टर्म के लिए 23-45 लेक्चर्स इंक्लूड हैं, तो इसको हम करते हैं। तो ये है हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस एंड गोल लेवल्स, द ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरा लेक्चर सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ है हमारे पास प्लानिंग इज टू पार्ट फंक्शन सेटिंग गोल्स एंड डिटरमिनिंग हाउ टू ट्राई अचीव द गोल। ठीक है, तो ये हमारा है प्लानिंग की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा गोल, गोल की डेफिनेशन है ये। ठीक है, अ गोल ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ऑब्जेक्टिव इज अ फ्यूचर टारगेट और एंड रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू अचीव। और ये है प्लान की डेफिनेशन है, अ प्लान इज़ द मीन डिजर्व डिवाइज्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू रीच गोल्स। और नेक्स्ट ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन मिशन, एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस और फंडामेंटल रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिशन, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन मिशंस। ठीक है, व्हाट आर द, इसको इसका है क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशंस। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशंस। इस तरह के ये जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ये है अ मिशन स्टेटमेंट, और फिर है मिशन स्टेटमेंट सर्व वैरायटी ऑफ पर्पस। द मिशन स्टेटमेंट टिपिकली डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है ये थ्री हो गए, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये सारे के सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, ये ब्रीड है और ये है प्लान्स। ब्रीड स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल प्लान्स, स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर द दोज दैट आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड इस्टेब्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड पोजिशन एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। ऑपरेशनल प्लान्स आर प्लान्स दैट स्पेसिफाई डिटेल्स ऑन हाउ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स आर टू अचीव टू बी अचीव्ड। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। और उसके बाद द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, व्हाट आर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, उसके बाद है ये जो है यहाँ से लेके आपके यहाँ तक आ जाएंगे। और उसके बाद जो है ये गोल्स, हाउ गोल्स फैसिलिटीज परफॉर्मेंस, द कंटेंट ऑफ गोल्स शुड बी शुड मीट फाइव क्राइटेरिया। ये है, ये इसमें जो है हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ गोल्स फैसिलिटीज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आ जाएगा यहाँ तक।
उसके बाद है गोल्स, ये है गोल्स, कमिटमेंट इज वंस अटैचमेंट और टू और डिटरमिन डिटरमिनेशन टू रीच अ गोल विदाउट कमिटमेंट गोल्स हैव लिटल इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस. मैनेजर्स कैन हेल्प फास्टर कमिटमेंट्स इन अ नंबर ऑफ वेज. ठीक है, तो ये जो है व्हाट आर द वेज फॉर फास्टर कमिटमेंट्स फॉर गोल्स. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये वाली, इसके लिए ये क्वेश्चन बन रहा है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट है वर्क बिहेवियर मे बी अफेक्टेड बाय फॉर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय गोल्स कंटेंट एंड गोल कमिटमेंट. जो है हाउ द वर्क बिहेवियर इफेक्टेड ऑन द गोल्स. ठीक है, ये इसकी जो है हमारे इसके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ गोल्स ऑन परफॉर्मेंस फॉर ऑफ एनी स्पेसिफिक जॉब कैन बी influenced by a number of the other process components. हाँ जी, तो ये जो है हमारा impact of goals on performance of any specific job. ठीक है, तो ये इसमें हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ गोल्स ऑन परफॉर्मेंस. तो ये आपने करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है. ये भी मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ. आप इसके हाईलाइटेड जो हैं ये हैंडआउट्स ये आप डिस्क्रिप्शन से ले सकेंगे. नेक्स्ट है ये हमारा strategic plans typically involve time periods of 5 years or more, but the time frame is dependent upon the stability of the industry in question. ठीक है, ये आपके जो हैं MCQs में ये आ जाएगा. ये आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना है. ये इसमें वो जो है ये जैसे ये लिखा हुआ है ना 5 years और मोर के उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरह से ये आपका MCQs में आ जाएगा. तो ये 5 years 2 years इस तरह से आएगा और आपने उसमें 5 years को क्लिक करना होगा, उसको चूज़ करना होगा. नेक्स्ट है द प्लानिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू प्रमोट इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई इज यूजिंग ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये लिखना है. तो इसका जो है ये क्वेश्चन है और ये वाला ठीक है, ये इसके आंसर है. टोटल 1 2 3 ये इसके पॉइंट्स हैं. और उसके बाद है ऑब्स्टेकल इज प्लानिंग एग्जिस्ट बट मे बी काउंटर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज ऑब्स्टेकल्स टू प्लानिंग. What are the obstacles
टू प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक रिड्यूस द ऑब्स्टेकल टू प्लानिंग, ये व्हाट आर द होगा। और ये मैंने, मुझे याद नहीं रहा, ये इसी तरह से मैंने लगा दिया है। तो इसका जो है आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिड्यूस ऑब्स्टेकल टू प्लानिंग, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन आएगा यहाँ से लेके ये इतना है। और नेक्स्ट है हमारा 24th है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। ये जो है ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके MCQs में बहुत आपको हेल्पफुल करेगा, हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइंड गोल्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइंड गोल्स। नेक्स्ट है ये, इस तरह से जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप अगर इसी तरह से मेरे बताए गए क्वेश्चंस के हिसाब से आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर इसी को कर लेंगे और एक अदद फाइल सिर्फ आप पढ़ लेंगे MCQs की, उससे आपको ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हो सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको पढ़ा हुआ होगा आपने मुकम्मल तौर पे हाइलाइटेड हैंडआउट्स को, तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से अपना पेपर कर लेंगे। तो ये जो है स्टेप्स और गोल्स सेटिंग्स, तो ये आ जाएगा व्हाट आर द गोल सेटिंग स्टेप्स और हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग्स, ठीक है। तो जब हाउ मैनी स्टेप्स आएगा तो फिर वो ये इतने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 स्टेप्स आ जाएगा, और जब 6 स्टेप्स आएगा तो अगर वो 3 मार्क्स का हुआ तो आपने इसमें से कोई 3 to 4 जो हैं वो लिख देने। और उसके बाद जो हैं वैसे आपने लिख देने, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग्स, और उसके बाद जो है इसमें से 3 से 4 लिख देने क्योंकि वो 3 नंबर का होगा। और अगर 5 नंबर का हुआ फिर ये सारे के सारे आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्लान्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्लान्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स एंड बाय द प्लानिंग अप्रोच फॉलोड जाएगी, ठीक है। ये है कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये सारे के सारे आपके कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स और इन प्लानिंग, व्हाट आर द कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग, ये आ जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेज टू इस्टेब्लिशिंग गोल्स, गोल कैन बी इस्टेब्लिश्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल गोल सेटिंग्स और थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो है व्हाट आर द अप्रोचेज टू इस्टेब्लिशिंग गोल्स, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आएगा, और ये और यहाँ नीचे भी है इसका, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और नेक्स्ट है ये गोल सेटिंग्स है सम पोटेंशियल पिटफॉल्स, व्हाट आर द पोटेंशियल पिटफॉल्स ऑफ गोल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी आ जाएगी ये वाली इस क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO, ये इसका आ जाएगा।
और उसके बाद जो है आपका आ जाएगा इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये आ जाएगा। और एमबीओ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पैटर ड्रकर एंड कंसिस्ट्स फॉर एलिमेंट्स, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एमबीओ जो है हु वाज डिस्क्राइब्ड एमबीओ, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। और व्हाट आर द हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ एंड हु वाज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये हु वाज डिस्क्राइब्ड इट, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आएगा। तो ये इसका आंसर है। और उसके बाद है एमबीओ में ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल थ्रू द प्रोसेस बाय विच दे केस कैस्केड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है इसका आ जाएगा, ये इसको इसको हम एमबीओ की डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद है हमारा, ये आपके एमसीक्यूज में ज़्यादातर हो सकता है ये। और उसके बाद है ऑल्दो देयर इज कंसिस्टेबल वेरिएशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एमबीओ रिस्पॉन्स प्रोसेसेस टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डेवलप्ड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा ये हो गया। उसके बाद है द स्ट्रेटेजिक ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ एमबीओ आर दैट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एमबीओ, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है ये व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ एमबीओ, ये आ जाएगा। और उसके बाद है द स्पिरिट ऑफ एमबीओ इज ट्रेंडस इन प्रैक्टिस, हाउ एवर एमबीओ हैज़ बीन सक्सेसफुल ओनली अबाउट 20-25% ऑफ द टाइम प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टू मैनेजमेंट एंड पुअर गोल्स सेटिंग्स एंड कम्युनिकेशन। ये भी आपने एक दफ़ा जस्ट पढ़ लेना है, ये अभी आपके एम सी क्यूज में आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है ये हमारा 25th है हमारा लेक्चर, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 1, ठीक है, ये हमारा 26 में ये 2 भी होगा इसका पार्ट। और ये इंट्रोडक्शन है, ये आपने जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेना, इसको इतना ये ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये डेट्स वगैरह आ रही हैं, ईयर आ रहे हैं, इसको लाजमी पढ़ लेना आपने, ठीक है। इसको वाज़ह तौर पे इसको आपने ऐसे करना है कि ये जैसे यहाँ से लेके आपका ये एक 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 जो जैसे है हमारा ये यहाँ तक जैसे बन रहा है, ठीक है, इसको आपने 1 कह लेना है और इसको जो है आपने 2 कह लेना है। इस तरह से जब आप पॉइंट्स बना के आप करना है कि कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप इसी तरह से पैराग्राफ की सूरत में करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इतना वैसे कर तो लेंगे लेकिन वो इजी नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रेशराइज्ड आपको महसूस होगा।
پوائنٹس میں چیزیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ نہیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں لیڈ پینسل سے اس کے اوپر مارک اپ کر لینا ہے, 1, 2, 3, 4 جتنے بھی اس کے اوپر بن رہے ہیں وہ کر دینے, اور اس کو جو ہے اس ان پوائنٹس کے حساب سے اس کو یاد کرنا ہے, پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ہے یہ دا کانسیپٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ, واٹ آر دا اسٹیپس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ, تو یہ ہو جائے گا آپ کا وہ اس کا. تو نیکسٹ ہے پرپز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ, واٹ آر دا پرپزز آف اسٹریٹجک مینیجر مینجمنٹ, اور یہ نیکسٹ ہے ہمارا اسٹریٹجک مینجمنٹ امپورٹنٹ ٹو آرگنائزیشن بیکاز وائی از اسٹریٹجک مینجمنٹ از امپورٹنٹ ٹو آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارا یہاں تک آ جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارا دا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس از میڈ اپ آف سیورل کمپوننٹس, واٹ آر دا ہاؤ دا اسٹریٹجک مینجمنٹ میک, تو اس کے بعد اس کا آ جائے گا ہاؤ آر دا سیورل کمپوننٹس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آ جائے گا, یہ اس کا آ جائے گا یہ کوشچن, اور یہ ہوگا. اور اس کے بعد اسٹریٹجک کمپوننٹس یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اس کا ایک ہی کا آ جائے گا. اور اس کے بعد یہ ڈیفینیشن اسٹریٹجک مینیجر مینجمنٹ اینڈ ہاؤ انٹیلز دا فار مینجمنٹ فنکشنز, ٹھیک ہے. یہ آ جائے گا یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ آپ کا کوشچن آلریڈی بنا ہوا ہے اس میں. اور نیکسٹ ہے 26th لیکچر ہے, تو اس میں کیا ہے دا اسٹریٹجک مینجمنٹ ٹو, ٹھیک ہے. دا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس از این 8-step پروسیس دیٹ اکمپسز اسٹریٹجک پلاننگ امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن. تو یہ ہے ہمارا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس, واٹ آر دا اسٹیپس آف اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آ جائے گا, یہ 1 ہو گیا, یہ ہے 2, اس کے بعد یہ 3 ہے, پھر یہ 4 اور 5, 6, 7, ہاں جی. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اس کا آ جائے گا اسٹریٹجک مینیجر کے اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے کر لینے ہیں, یہ اس میں جو ہے آپ نے جو شارٹ شارٹ والے وہ کر لینے ہیں, جو زیادہ لانگ والے وہ رہنے دینے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی جب آپ وہاں کریں گے, کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کا 15 نہیں, یہ اتنے مارکس کا ہوگا نہیں, یہ 5 مارکس کے ہمارے جو ہیں پیپرز میں آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں آتے, ٹھیک ہے. جب وہ 5 مارکس کا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سے صرف اور صرف اس کے اسٹیپس جو ہیں ان کا جو تھوڑا سا لکھ لینا ہے, اور کتنے اسٹیپس ہیں اس میں 8 سب وہ ہیں اسٹیپس, ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو ہیں 5 مارکس کے حساب سے اس کے جو ہیں لکھ دینے اسٹیپس, آپ نے 6 لکھ دینے ہیں, ٹھیک ہے, 8 نہیں لکھنے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے لکھنا ہے, اس میں سے دیکھ لینا ہے آپ نے جو بھی اس میں جو تھوڑے شارٹ آپ کو لگ رہے ہیں سب سے پہلے وہ کر لیں, اس کے بعد جو ہے باقی کر لیں. نیکسٹ ہے یہ دا رول آف کمپیٹیٹیو انالیسز ان اسٹریٹجی فارمولیشن, واٹ از دا رول آف کمپیٹیٹیو انالیسز ان اسٹریٹجک یہ ہے فارمولیشن. تو یہ ہمارا آ جائے گا یہاں تک. نیکسٹ ہے ہمارا 27th لیولز آف اسٹریٹجیز پورٹرز ماڈل اینڈ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ بی سی جی اینڈ امپلیمنٹیشن, ٹھیک ہے.
ये हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप स्ट्रेटजीज एट थ्री डिफरेंट लेवल्स. These three different levels and distinct levels of strategy are corporate business and corporate business and functional. ठीक है, तो ये जो है what are the level of strategies. ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगा आपका इसका. और उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल है, ये है हमारा बिजनेस लेवल. और उसके बाद ये फंक्शनल, उसके बाद है फंक्शनल लेवल. ठीक है, ये आपका आ जाएगा हमारा इसके लिए. और उसके बाद हाँ जी ये भी है. Next, the role of competitive analysis in strategy formulation and implementation. What are the role of competitive analysis in strategy formulation and implementation? ठीक है, तो ये है यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आ जाएगा. और उसके बाद ये इसमें ये भी इंक्लूड होगा. और यहाँ ये जो है एन ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट डिटरमिन्स हाउ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन. व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट्स डिटरमिन हाउ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन द इंटरनल इन्वायरमेंट इफेक्ट द कम्पिटिटिव सिचुएशन. ये इसका क्वेश्चन बनेगा. और ये जो है यहाँ से लेके आपका आ जाएगा यहाँ तक इसका इंक्लूड होगा. और नेक्स्ट है हमारा असेसिंग द कम्पिटिटिव. ये भी इसमें ये जो है ये वन है. ठीक है, ये उसके स्टेप्स हैं. और इसी तरह से ये बाकी और ये आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. व्हाट आर द फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. तो ये आपके जो हैं ये सारे के सारे यहाँ तक आ जाएंगे. और ये भी साथ में इसके इंक्लूड होगा. यह आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है कि एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना इसको. क्योंकि इसमें जो है आपका जस्ट आप इसको एक दफ़ा जब पढ़ेंगे तो ये जो है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग है, आपके जो हैं 5 से अबव मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं. ठीक है, तो जब आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे इसमें से जो भी कोई शॉर्ट स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं, लॉन्ग वाले स्टेप्स आपने नहीं करने हैं. जब आप इसको करेंगे तो आपने आपके जो बहुत सारे स्टेप्स इसमें आपके हो जाएंगे और आपके 5 मार्क्स तक इसके बहुत ज़्यादा इजीली आप कर लेंगे. और नेक्स्ट है हमारा यहाँ है ये सारे के सारे जो हैं है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, लेकिन इसमें से जो है आपने सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट शॉर्ट वाले होंगे वो आपने करने हैं और आपको इजी हो जाएगा. ज़्यादा लॉन्ग वाले नहीं करने हैं आपने. ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट मार्केट एवोल्यूशन मैट्रिक्स. व्हाट आर द प्रोडक्ट मार्केट एवोल्यूशन मैट्रिक्स. तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन. और यहाँ से लेके इसका यहाँ तक आप करेंगे. और
उसके बाद इसको जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ना है। इसके ऊपर आपने रटेबाजियों वाली बात नहीं करनी, क्योंकि ये यहाँ जो वैसे तो मैं किसी को भी ये नहीं कहती कि रटेबाजियाँ करें, लेकिन ये है कि BS में तो कम से कम आप इसको भूल जाएँ कि ये रटेबाजियों से काम चल सकता है। तो यहाँ ये जो है, यहाँ तक है, ये है हमारा इन असेसिंग दीज पोर्टफोलियो मैट्रिक्सेस। रिमेंबर दैट ईच मॉडल ऑफर्स समवॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके MCQs में आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद ये द BCG मैट्रिसेस एंड द पोर्टफोलियो एक्सेप्ट एंड हैज लॉस्ट मच ऑफ इट्स मेरिट बिकॉज। इसमें जो है ये आ जाएगा, इसके साथ आप अगर वाई लगा दें तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ये बिकॉज को आप छोड़ दें तो ये बाकी का जो है ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये मुकम्मल है। ये आपका अगर 5 मार्क्स का होगा तो आपने सारे के सारे लिखने हैं, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और अगर 2 और 3 मार्क्स का होगा, 2 का होगा तो ये इसमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 3 मार्क्स का होगा 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखने हैं। उसके बाद है ये फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो व्हाट इज़ द फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, तो ये आपने यहाँ से लेके ये यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो ये आपने करना है, और मैं बार बार ये बता रही हूँ कि आपने इसको रटेबाजियों वाला काम नहीं करना है। जस्ट एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, इसके ऊपर ज़्यादा अपना जो है दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। ये सिर्फ एक दफ़ा अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए तो भी आपको जो है इसके लिए इतने ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट ये फॉर्मुलेटिंग फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। व्हाट इज़ द फॉर्मुलेटिंग फंक्शनल स्ट्रेटजी, ये इसका क्वेश्चन बन रहा है और ये इसका है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स, व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूड्स इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद ये है, ये चीज़ जो है ये भी यहाँ आ जाएगी। और उसके बाद जी, तो ये जो है हमारे 27 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पार्ट टू में मैं आपको 28 लेक्चर्स से स्टार्ट करवाऊँगी 45 लेक्चर्स तक, ठीक है। तो इसको आपने जो है ये हाइलाइटेड हैंडआउट्स आपने डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर लेने हैं और इसको अच्छे से पढ़ लेना है, आपके लिए ये बहुत फ़ायदा मंद होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आएगी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।